गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। तो मेरा बोलने का मतलब ये था, स्टार्ट करते हैं क्या लेक्चर, सब चालू करूं मैं? यस सर, एक डाउट है। हाँ बोलो ना। वो प्रैक्टिस सेट 1.3 है ना? हाँ। उसका क्वेश्चन नंबर 3 सम नंबर 4 वो नहीं आ रहा है सॉल्व करना। फोर्थ वन वाला क्या? हाँ ओके okay, चलेगा। मैं स्टार्ट करूँ वो सम? चलेगा ओके। हाँ सब लोग जरा ध्यान देंगे, 1.3 में कौन सा सम से कुछ याद है किसी को? कौन सा टॉपिक वाला सम है? क्रेमर्स। क्रेमर्स के लिए कुछ याद किया था अपन ने, कोई भी बोल के दिखा। आगे आगे उसके आगे क्रेमर्स। हाँ नहीं, क्रेमर्स रूल बराबर है। डी डी एच डी वाई उसके आगे क्या है? उसके आगे ए बी सी डी ए सी ए सी ए बी सी डी। ओके अभी ध्यान देना, मैं एक सम सॉल्व करके दिखा रहा है जो डाउट है उनको। बाकी लोग ने सॉल्व किया है क्या? कि जो सॉल्व कर रहा है उनको डाउट आ रहा है? किया सर। बताओ किया है क्या? ओके ठीक है। तो अभी ध्यान देना सब लोग, श्रेया फोर्थ वन का बात कर रहे ना? यस ओके। तो फोर्थ वन में जरा एक बार सब लोग देख लेना, मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं बोल रहा हूँ। फोर्थ वन में एक बार देखो कि ऑर्डर सेम है क्या, मतलब एक्स वाला बाद में दूसरे वाले इक्वेशन में भी एक्स बराबर है क्या? देखो जरा पहले एक्स वाला एक्स, वाई वाला वाई, ये क्या प्रॉपर ऑर्डर में है क्या? देखो जरा। ओके ऑर्डर में है बराबर। अभी ऑर्डर में है तो डायरेक्टली मुझे बताओ ए वन का वैल्यू 6, किसी को डाउट है क्या ए वन का वैल्यू 6 कैसे आया? बी वन बताओ, बी वन सॉरी फोर फोर माइनस माइनस फोर। सब लोग को समझा है क्या? यस सर। हाँ सिमिलरली सी वन आएगा, सिमिलरली ए टू आएगा, बी टू आएगा, सी टू आएगा। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर। ओके हाँ अभी सब लोग ध्यान देना मेरे को क्या बोलने का है। फर्स्ट अगर मैं डी फाइंड किया तो डी के लिए फॉर्मूला होता है अपना ए बी वाला 1 1 2 2। किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? नो। हाँ तो ए वन का वैल्यू बताओ ना कितना है? 6 6 6। परफेक्ट, ए वन का वैल्यू 6। बी वन कितना है? माइनस फोर। ए टू कितना है? ए टू एट। और दूसरा वाला वैल्यू कितना है? बी टू कितना है? माइनस थ्री। तो पहले अपन मुझे बताओ येलो वाला पहले मल्टीप्लाई करूं क्या मैं? पीला वाला जो सर्कल किया है वो मल्टीप्लाई करूं क्या? यस। कितना आएगा बताना जरा, कितना आएगा 6 × -3? माइनस एटीन। और ये माइनस मतलब ब्रैकेट, सबको समझा है क्या? बताओ। यस सर। यस। अभी क्या बचा है? अभी क्या बचा है? 8 × -4 माइनस थर्टी टू। अभी जब ब्रैकेट ओपन होगा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? बाजू वाला प्लस, प्लस। -18 + 32 क्या लगता है आपको? पॉजिटिव 14 की नेगेटिव 14? पॉजिटिव 14। किसी को डाउट है क्या आज तक? प्लीज जरा कंफर्म करके लो जरा सब लोग, नोटबुक में बराबर 14 आया है क्या जब सॉल्व किया था? यस सर। ओके तो याद कर लो जरा 2 मिनट के लिए कि D का वैल्यू अपने को 14 आया है। मैं आगे बढ़ू अभी? यस सर। ओके हाँ 1 मिनट जरा, अभी कितना आया था D का वैल्यू? 14 आया था बराबर। 14 बराबर। अभी उसके बाद होता है, अपना DX। DX के लिए क्या लिखता है मैं जरा बताना आप लोग? सी बी सी बी सी बी सी बी
बराबर। चलो सी वन का वैल्यू कितना है, सी वन का वैल्यू माइनस टू वैल्यू, और बी का वैल्यू माइनस फोर, सी का वैल्यू कितना है, सी का माइनस माइनस टू माइनस थ्री। अभी मुझे बताओ जब मैं ये येलो वाले को पहले पीले वाले को पहले करता है तो दो बार माइनस है ना मल्टीप्लाई में, 12 के पास भी है और 3 के पास भी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा 36 आएगा क्या बताओ, 36 सबको समझा है क्या, पॉजिटिव 36 फिर देखो 2 इंटू 4 दो बार माइनस से कट हो जाएगा 8 सबको समझा है क्या, Yes, sir. कितना आएगा 28 Yes, sir. 20. थोड़ा याद करो दो मिनट पहले dx का फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन डी, dx 28 है, d वाले में 14 मिला था 14. हाँ कट करो कितना आया 2 14 वनजार 14 टूजार आया ना 28 हाँ, yes, sir. अभी अभी कौन सा बच गया सिर्फ बताओ कौन सा बच गया, डीवाई ये तो आप लोग कर सकते हैं ना डीवाई कि नहीं, yes. समझा आपको एक्स कैसा आया बराबर आया अभी, यस सर, वाई वाला आप लोग आप खुद से ट्राई करेंगे लेक्चर के बाद, यस ओके आगे बढ़ू क्या मैं अभी, यस सर, सब लोग का दो चार लोग ही यस बोल रहे हैं, बाकी लोग लगता है सिर्फ मोबाइल चालू करके रख दिया साइड में, यस ठीक है चलो। तो अपन ने 1.4 स्टार्ट किया था, चलो बताओ कौन सा सम पढ़ा के हुआ है 1.4 में, सेकेंड सेकेंड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। मैंने ये एक्सरसाइज को एक अलग तरीके से देखता है क्या करता है, किसी ने पूछा कि 1.4 में अपने को क्या करना पड़ता है तो क्या बोलेगा, सब्स्टिट्यूट किसको करता है, जो डिवाइड में दिखता है उसको करता है, जो ऊपर दिखता है उसको करता है, डिवाइड में बराबर। अभी मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक बार दिखता रहेगा एक्स माइनस टू और एक बार दिखता रहेगा वाई प्लस थ्री, तो मैं कैसा लिखेगा जरा उसको बताना, रिप्लेस सब्स्टिट्यूट करने का टाइम कैसा लिखूंगा उसको, 97 इंटू 1 अपॉन एक्स, हाँ बस 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 ये सुनने का था मेरे को, 27 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस क्या आगे क्या 31 इंटू वाई प्लस 1 अपॉन 3 वाई प्लस 3 बराबर। तो अगर मैंने पहले वाले को ए लिखा दूसरे वाले को बी लिखा तो कैसा हो जाएगा अपना इक्वेशन, जरा देखो मैं बराबर बोल रहा है क्या, 27 ए प्लस 31 बी इज इक्वल्स टू कितना बोला है, 85 बोला है क्या, 85 देखो जरा बराबर लिखा है क्या मैंने, यस सब लोग बताना, यस सर, यस सर। अभी ये हो गया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये कोई तो एक स्पेशल वाला सम दिख रहा है जो अपना सबसे फेवरेट, हाँ कौन सा वाला दिख रहा है बताओ जरा, कौन सा वाला दिख रहा है सब लोग बताओ, प्लस माइनस प्लस माइनस एक ही दो ही लोग को समझता है बाकी लोग नहीं बोल रहे क्यों ऐसा, yes. सब लोगों को समझ रहा है क्या, मैं सबको पूछ रहा है क्या सबका, yes. आना चाहिए आंसर, ठीक है तो अपना चलो बढ़िया है सब लोग ने बोला। तो सबसे पहला अपना स्टेप होता है प्लस, दूसरा स्टेप होता है माइनस, तीसरा स्टेप होता है माइनस बराबर, हाँ पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो अभी मैं सबसे पहला प्लस करता हूं, तो जब प्लस करेगा ए वाला ए वाले के साथ होगा, बी वाले के साथ होगा, 85 और बी होगा, तो अगर मैं डायरेक्टली किया तो 27 प्लस 31 कितना होगा, जो करके दिखाओ प्लस करके दिखाओ जरा मुझे, 58 क्या बात है, 58 ए प्लस 58 बी इज इक्वल्स टू 174 बराबर है क्या, चेक करो, गलती हो सकता है मेरे से भी,
बराबर है क्या? देखो जरा 85 प्लस 89। अभी क्या करेगा आगे? किससे डिवाइड करेगा? डिवाइडिंग बाय 58 करेगा कि नहीं करेगा ये बताना। 58। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग पढ़ाई नहीं करते करके? जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। डिवाइड बाय 58 किया तो इधर 58 आएगा, इधर 58 आएगा, इधर 58 आएगा। कब कट होगा आपके हिसाब से? 174 डिवाइड बाय 58 3000। बराबर। तो क्या मिलेगा इक्वेशन बताओ? क्या मिला इक्वेशन? a + b = 3। यस परफेक्ट। अभी अपने को जरूरत नहीं है टेक्स्ट बुक का। आपने ही बोला कि a + b = 3। देखना जरा एक बार, बराबर बोल रहा हूँ क्या मिला है क्या? देखो लास्ट में, देखो लास्ट में एकदम नीचे। पक्का? Yes, अभी अभी प्लस हो गया, एडिशन हो गया। अभी किसका बारी रहेगा? माइनस। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे माइनस। देखो जरा बराबर सॉल्व किया है क्या एक बार? कुछ गड़बड़ रहेगा तो बताना मुझे। ये देखो 27 माइनस 31, पता है ना कितना आता है? माइनस 4 आता है। देखो इधर नीचे लिखा है मैंने। सिमिलरली इधर देखो वापस क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक से देखना, घाई मत करो। प्लस 31b माइनस 27b प्लस 31 और माइनस 27 प्लस 4b लिखा है क्या मैंने? देखो जरा एक बार। यस हाँ, तो इक्वेशन क्या है आपके पास? ठीक से बताओ इक्वेशन क्या मिला है? माइनस 4a प्लस माइनस b माइनस 1। तो मैं किससे डिवाइड करूँ? 4 से डिवाइड किया क्या मैंने? देखो जरा ठीक से। यस सर। तो इक्वेशन क्या मिला? माइनस a प्लस b माइनस 1 माइनस 1। अभी प्लस भी हो गया, माइनस भी हो गया, अभी क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो मैं ना आप लोग के भरोसे पे छोड़ता हूँ। इतने में ना कुछ गलती हुआ है। क्या गलती हुआ है मुझे आप लोग से चाहिए, और आपका टाइम शुरू होता है चेक करने के लिए। बताओ पॉजिटिव और माइनस से आप दोनों को उनको प्लस करके 2a लिखे। क्या होना चाहिए था वहां पे? 2b होना चाहिए। 2b होना चाहिए क्योंकि a तो कट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है? 2b = 2 b = 1। समझे ना? 1 कैसा आया? 2/2 2/2 1 आता है। yes. तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर मुझे क्या मिला? यहाँ पर क्या मिला बताओ? b = 2 1। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास इक्वेशन तो था ही, मैं b के जगह पे 1 रखता हूँ, तो क्या आ जाएगा बताओ? a + 1 = 3। Therefore, b = 2। सबको समझा है क्या? a = 2 सबको समझा है क्या? बताना। yes, sir. मैंने गलती क्या किया पता है क्या? मैंने a को कट कर दिया जो कि गलत था। सबको समझा? yes, sir. होता है गलती। yes, मेरे से हुआ, आप लोग से भी हो सकता है। एग्जाम में ध्यान रखना इसके ऊपर। तो इन सिंपल वर्ड मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये a = 1 नहीं है, ये b = 1 आना चाहिए। और ये क्या आना चाहिए? a = 2। सबको समझा? कुछ गलती नहीं है, सिर्फ मैंने a कट किया, वो गलती हो गया मेरे से। सबको समझा? बताना।
अभी क्या मिला मुझे बताओ, बी का वैल्यू कितना मिला? एक लास्ट बार बताओ बी कितना मिला, और ए कितना मिला? टू। हाँ अभी ध्यान दो, सब लोग ध्यान देना। हाँ देखो घाई मत करो, मैं जो बोल रहा है ना उसके ऊपर फोकस करना अभी सब लोग। मैं सबसे पहले ऐसे लिखा था ना, सब लोग मानते ही गए बात कि नहीं मानते? यस यस यस। कितना मिला था आपने को, ए कितना मिला अभी दो मिनट पहले? टू मिला ना, टू। हाँ ऐसा लिखा तो किसी को प्रॉब्लम आएगा क्या? टू अपॉन वन, सबको समझा क्या? क्योंकि ए का वैल्यू टू था ना। अभी मैं क्या बोलता हूँ, इन्वर्टेंडो मत करना जो लास्ट लेक्चर में किया था, क्योंकि इन्वर्टेंडो में नीचे वैल्यू था, यहाँ पर किधर वैल्यू है बताओ? यहाँ पर किधर वैल्यू है? ऊपर वैल्यू है। हाँ तो क्या करना मालूम है क्या? ऐसा जब होगा ना, ऐसा अगर कभी हुआ तो क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। हाँ तो वन इंटू वन कितना होगा? वन इंटू वन कितना होगा? वन इज इक्वल्स टू, इधर टू पहले से है, ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा x माइनस टू। सबको समझाए? yes. ये ब्रैकेट ओपन करके बताओ आप लोग, मेरे को नहीं आता है, आप लोग करके टू बताओ। एक्स माइनस क्या बात है, परफेक्ट। अब ये माइनस फोर अगर ऑपोजिट साइड आए तो क्या हो जाएगा? मुझे बताओ समझा क्या? 2x is equals to 5. Yes, sir. Yes. x कितना मिलेगा? x is equals to 5 upon 2. सबको समझा? Yes, sir. मैं आपको एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक मिनट लगेगा नहीं, सी इतना समझ के लो ना आप लोग। अभी जो अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x का वैल्यू, a का वैल्यू 2 था तो उसको 2 upon 1 लिखा, बाद में 2 इंटू एक्स माइनस टू को ब्रैकेट को ओपन करके आप लोग में से एक ने मुझे आंसर बताया, बराबर है क्या सब? देखो लो जरा एक बार। yes. आगे बढ़ू? yes, yes, sir. Yes, sir. कितना मिला x, कितना मिला बताओ वापस एक बार? 5/2। अभी किसका बारी है? b x हो गया, y प्लस थ्री, y माइनस थ्री ना, किसी को डाउट है इसके अंदर डिवाइड में वन कैसे आता है? नो सर। इसमें इन्वर्टेंडो हो सकता है क्योंकि ऊपर भी और नीचे भी क्या है, वन है ना, तो इन्वर्टेंडो हो सकता है। इन्वर्टेंडो अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू वन, और माइनस थ्री अगर ऑपोजिट गया तो प्लस थ्री, कितना मिला? वाई इज इक्वल टू फोर। हाँ मैं एक सिंपल बात बोलना चाहूंगा, जो ज्यादा स्मार्ट बनेगा ना, मतलब अगर उनको आंसर वेरीफाई करना है एग्जाम में, अभी उन लोग के लिए खेल चालू होता है। एक्स कितना मिला बताओ, दो मिनट पहले आपने को एक्स मिला था? फाइव अपॉन टू, परफेक्ट। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 5/2 को 2.5 लिख सकता है? 5/2। हाँ तो मुझे बताओ अपना इक्वेशन नंबर वन कैसा है? 27 डिवाइडेड बाय क्या है? 27 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू है ना? एक्स का वैल्यू अपना 2.5 था, तो 2.5 माइनस 2 किया तो बताना 0.5 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। हाँ प्लस 31 अपॉन 1 समझा क्या? वाई माइनस 3, वाई का वैल्यू कितना मिला था आपने को? 4। तो समझा 4 माइनस 3 1 में डायरेक्टली कैसा लिखा समझा है क्या आप लोग को? यस सर। हाँ yes. अभी देखो क्या बोल रहा है, इधर डिनोमिनेटर 1 है, इधर डिनोमिनेटर 0.5 है, तो मुझे बताओ
अगर 0.5 को 1 बनाना है, अगर मेरे पास 50 पैसे है उसको अगर मुझे 1 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 50 पैसे है मेरे पास और उसको अगर 1 रुपीस बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? यस सर। तो मैं क्या करता हूँ, बेस सेम करने के लिए ना दोनों को मल्टीप्लाइंग बाय 2 करता हूँ। तो 27 टू जा कितना आ जाएगा बताओ? 54 अपॉन 1 प्लस 31 अपॉन 1। सबको समझा क्या? यस सर। बिल्कुल गाई नहीं, पक्का बताओ समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा है? किसी हा हा करने का है? समझा सर। समझा? अभी देखो बेस सेम हो गया है तो आप ऐड भी कर सकते हो। कितना आएगा 54 प्लस 31? देखो 85 आता है। 85 मेरे हिसाब से तो आता है 85। सबको समझ रहा है क्या? किसी हाँ बोलने के लिए हाँ कर रहे हैं? नहीं सर, समझ रहा है। समझ रहा है? यस सर। ठीक है, एक मिनट जरा, सब समझ जाएगा अभी। रोहित पांडे, हेलो रोहित। चलो कोई है क्या जो मुझे एक्सप्लेन? हाँ रोहित भाई एक्सप्लेन करो ना, ये वाला जो अभी मैंने बताया ना, ये वेरिफिकेशन जो अपना आंसर अपन चेक करते हो, एक बार बताओ कैसा किया अपन ने। चलो कोई है क्या खुद से जो एक्सप्लेन करेगा मुझे? नो, कहना है देवी का। यस यस, चालू करो मैडम। हम लोग को x का वैल्यू 5/2 मिला था, तो 5/2 को हम 2.5 में भी लिख सकते हैं। तो 2.5 माइनस 2, तो 2 में से 2 गया तो 0.5 बचता है। तो हमने 27 अपॉन 0.5 लिखा, प्लस y का वैल्यू हमें मिला था 4, तो 4 माइनस 3 1 आया। तो 0.5 को 1 बनाने के लिए हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 27 इंटू 2 54 आया, और 0.5 इंटू 2 किया तो 1 आया। तो हमने उनको 54 प्लस 31 किया, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसलिए हमने 85 आंसर निकाल दिया। परफेक्ट, सबको क्लियर है क्या? तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। ओके, हाँ तो मेरे तरफ से 1.1, 1.3 और 1.4 कंप्लीट है या नहीं ये बताना। कंप्लीट है सर। हाँ पक्का? क्या देख लो एक बार, सोच समझ के बताना sir. क्या yes, yes. हाँ अभी सुनना क्या बोल रहे हैं। 1.3 और 1.1 और 1.4 का पढ़ाई चालू करो, आपका 15 मार्क्स का टेस्ट हो सकता है एक हफ्ते के अंदर। मैं एक हफ्ते का टाइम, देखो क्लियर बोल दिया आपको, एक हफ्ते का टाइम है आपके पास। अगर आपने रोज 4-5 सम भी सॉल्व किए, आपका 4 दिन में पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करके हो जाएगा, और 3 दिन बचेगा उसमें जो करना है वो करो, तैयारी होना चाहिए। सबको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा है? Yes, सिर्फ yes, तीन ही टॉपिक है, एक yes, क्रेमर्स है, एक क्रेमर्स आने वाला है, एक जो आज अपन ने 1.4 चालू किया सब्स्टिट्यूट वाला वो आ सकता है, और वो तो सबको आता ही है ना एलिमिनेशन की, नहीं आता है एक सेम yes, करो या वाई सेम माइनस, हाँ या तो फिर और एक सम आ सकता है प्लस माइनस प्लस वाला। या तो एक काम करो, मैं टेस्ट का अभी बता देता हूँ कि देखो क्या बोल रहा हूं, सब लोग सुन के लेना ठीक से। टोटल 5 सम रहेंगे, विदाउट ऑप्शन रहेगा पेपर, ऑप्शन नहीं रहने वाला है पेपर में। 5 ही सम रहेंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए रहेगा। पहला क्वेश्चन क्रेमर्स का रहेगा, दूसरा क्वेश्चन प्लस माइनस प्लस का रहेगा। सबको समझा है कौन सा क्वेश्चन है प्लस माइनस प्लस वाला? यस सर। उसके बाद एक रहेगा ऐसा वाला जहां पर सिर्फ लिखा रहता है इक्वेशन, कुछ भी दिया रहेगा और बोलेगा सॉल्व एंड फाइंड एक्स एंड वाई। समझा ना क्या करने का, एक्स सेम करो या वाई सेम करो, ऐसा रहेगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन, और आपका दो सम है ना, दो सम
1.4 में से रहेगा। कितना समय बताओ 1.4 में अपने पास? चार ही समय ना? चार समय। चार। हाँ, वो चार में से दो आने वाले हैं, तो 1.4 तो पढ़ाई किया तो आपका दो सम तो ऐसे ही हो जाएगा। यस यस सर। और ये तो सबको आता ही है, सिर्फ मेन लड़ाई किसके लिए मालूम है ना आपको? 1.4 के लिए। सबको समझ रहा है? मैंने पेपर भी बता दिया, सब बता दिया कौन सा क्वेश्चन किधर आने वाला है करके। आगे बढ़ सकते हैं अभी अपन? यस सर। ओके हाँ yes, अभी ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना, अभी कुछ बोल रहा है मैं अगले एक या दो मिनट उसके ऊपर फोकस करो। अभी अपना 1.2 और 1.5 बाकी है, पहले अपन 1.5 पढ़ाई करेंगे, फिर बाद में 1.2 चालू करेंगे जिसमें अपने को ग्राफ बुक का यूज होने वाला है। या तो अपन ट्राई करेंगे कि जब ऑफलाइन लेक्चर चालू होगा तब वो ग्राफिकल का पोर्शन लेने का। मैं आया? यस यस। देखो चाहिए तो मैं ऑनलाइन में भी बता सकता है ग्राफिकल का क्या है, बट अगर एक ही बार में अगर क्लियर समझना है ना तो चलेगा, अपन एक महीना लेट पढ़ाई करेंगे 1.2 वाला, बट ऑफलाइन करेंगे। या तो अगर तभी भी पॉसिबल नहीं हुआ ऑफलाइन का तो ऑनलाइन तो अपना है ही ना, 19-20 होगा, एक सम मुझे दो तीन बार बताना पड़ेगा, ठीक है बताएंगे आप, समझ रहे हैं? Yes, sir. अभी ध्यान दो। हाँ अभी अपना शुरुआत होने वाला है 1.5 के लिए, और 1.5 में ना वर्ड प्रॉब्लम रहते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ कितने सम्स दिखाई दे रहे आपको 1.5 में? ठीक ठीक। हाँ तो अपन क्या करेंगे सुन लेना, अभी क्लियर बोल रहा हूं मैं, अपन दो दो करके सम सॉल्व करने वाले, मतलब आज दो करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में दो करेंगे, उसके बाद लेक्चर में दो करेंगे, समझ में आ रहा है? तो आज तो अपने पास 25 मिनट बाकी है लेक्चर के लिए, तो आज अपन ये 6 में से ना इजी वाले सम सॉल्व करने वाले। अभी इजी मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, समझ में आ रहा है? Yes, yes, हाँ। अभी एकदम आराम से बैठने का, मैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करने को चालू करेगा, पूरा एक्सप्लेन करेगा लास्ट तक। आप लोग में से कोई तो मैं किसी का नाम लेगा, वो एकदम ईमानदारी में अनम्यूट करके मुझे आंसर देगा, ठीक है? तो अभी बिना कुछ टाइम वेस्ट किए मैं चालू करता है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दो सब लोग, ठीक है? हाँ ये कौन सा शेप बोला है इसमें, जो डायग्राम दिया है ना उसमें कुछ तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल को देख के आपको कौन सा प्रॉपर्टी याद आता है, एकदम कॉमन वाला प्रॉपर्टी, एकदम इजी वाला प्रॉपर्टी रेक्टेंगल को देख के? साइड्स आर इक्वल। हाँ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सब लोग को बोल रहा है स्टूडेंट लोग कि अगर नोटबुक ओपन रहेगा तो मैंने आपको एक काम बोला है, आपको पता है टेरिस पे लिखने का, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगेगा। अभी कुछ तो इम्पोर्टेंट बोला है अपन, क्या बोला है? रेक्टेंगल में ऑपोजिट इक्वल होते हैं। हाँ लिखो ऊपर, अगर नोटबुक ओपन रहेगा तो उसमें लिख देना इन अ रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो कैसा आप लोग जब पढ़ाई करेंगे ना, एक नजर भी गया ना ऊपर तो आपको याद आएगा कि हाँ बाबा सर ने 1.5 चालू किया था, एक डायग्राम था उसमें ऐसा कुछ था, तो बस हो गया ना, वही अपने लिए हो गया ना फाइनल रिवाइज करने के लिए, समझ रहा है सब लोग को? यस सर। पक्का? यस सर। हाँ ओके। तो देखो अभी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल मतलब मुझे एक सिंपल सा कंसेप्ट बताओ कि ये 4x माइनस y इज इक्वल्स टू 2x प्लस y प्लस 8, ऐसा ही बोलने का मतलब है ना उनका,
अपोजिट है ना दोनों, तो मैं क्या बोलता हूँ ऐसा ही है ना इनका बोलने का मतलब, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 8, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? सही सही। हाँ तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर मुझे इसको एक प्रॉपर इक्वेशन में लिखना है, मुझे अगर इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में या सीक्वेंस में लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ 2x को और y को ना लेफ्ट साइड लेता हूँ, तो वो 2x जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड गया तो नेगेटिव, और जो y है वो भी गया तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। हाँ हाँ नेगेटिव। तो मुझे बताओ 4x माइनस 2x, समझा सब लोग को, लाइक जो उधर था वो माइनस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 8। देखो अंडरलाइन कर रहा हूं, सब लोग को समझ रहा है क्या, x को अलग किया मैंने y को अलग किया, मेरा पॉइंट समझ रहा है? yes, sir. हाँ तो 4x माइनस 2x कितना आता है, 4x माइनस 2x 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 माइनस 2y इज इक्वल टू 8, सबको समझता है क्या ये वाला? मैंने पहले भी बताया है माइनस y माइनस y माइनस ही आता है, क्योंकि माइनस देखो दूर दूर है, बीच में कुछ है क्या उन लोग के, है ना y है ना बीच में? पक्का आगे बढ़ू? इसका कितना आएगा जो देखते कितने लोग को समझ आए, माइनस 4y माइनस वाई कितना है? माइनस फाइव नहीं ना, थ्री कैसा माइनस फाइव वाई आएगा कि नहीं आएगा? चलो चलो एक्सप्लेन करते हैं, जाने दो अभी छोड़ दो, क्या बोल रहा सुनो, जब भी ऐसा हुआ माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन एक्स ऐसा ऑर्डर में आपको दिखा ना, तो उसको हमेशा माइनस लिखना और दोनों को ऐड कर लेना, कितना होएगा फिर, माइनस टेन होगा कि नहीं होगा? माइनस टेन एक्स। हाँ माइनस टेन एक्स। तो सिमिलरली ये कितना होगा, दो मिनट पहले अपन ने लिखा था माइनस वाई कितना होगा बताओ? माइनस टू वाई। मिला कि नहीं मिला इक्वेशन नंबर वन बताओ? मिला। चलो चेक करते हैं बराबर था क्या, थोड़ा ठीक से ध्यान दो, दिखाओ इधर। यस सर। यस दिखा। हाँ ओके, अभी सेम काम, अभी सेम काम किसके लिए करेगा, एक वाला ऑपोजिट साइड हो गया, कौन सा वाला बचा है अभी? ब्रेड। हाँ तो क्या आएगा आप ही बताओ, मैं नहीं बता सकता, आप ही बताओ क्या आएगा? x प्लस फोर इज इक्वल टू टू वाई। हाँ x प्लस फोर इज इक्वल टू टू वाई। तो मैं क्या करता हूँ, फोर को उधर लेता हूँ, टू वाई को ये साइड लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, x माइनस टू वाई फोर की माइनस फोर, मैंने फोर लिख दिया। हाँ अभी कैसा बोल रहे बराबर, माइनस फोर, ये कौन सा हो गया इक्वेशन नंबर टू, ये हो गया जो अपने को दो मिनट पहले मिला था, अगर आपका याद रखने का ताकत अच्छा है तो शायद यही था। yes. अभी अभी कोई आपको रोक सकता है क्या सॉल्व करने के लिए? यही तो मेन है, यहाँ तक आपको इक्वेशन फ्रेम करके देने का मेरा काम है, इसके आगे कुछ करने का जरूरत है ही नहीं, सबको आता है इसके आगे का, बराबर बोल रहा है? Yes, sir. और मैं ऐसा क्यों बोल रहा है मालूम है क्या, क्योंकि y भी सेम है, देख लो ना, 2y 2y सेम है। yes, yes. और दोनों का साइन भी सेम है, जब साइन सेम रहता है तब क्या करते हैं अपन, हाँ तो अभी इतना काम तो मैं आपको दे सकता है ना कि सॉल्व करके बताऊ मैं एक बार। हाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग ट्राई करो, आंसर तो आने वाला है, अगर आप अगर अपने क्लास में 45 बच्चे लोग हैं, 40 बच्चे लोग हैं,
तो 28-30 लोग का आंसर आएगा, वो 10 लोग का आंसर किधर ना किधर अपन मार खा लेगा, जिधर प्लस को माइनस करेगा माइनस को प्लस करेगा, तो उसके ऊपर ध्यान देना। और अगर तो भी नहीं आता है तो नेक्स्ट टाइम लेक्चर में, ऐसा आज मुझे बताया एक स्टूडेंट ने कि सर मुझे 1.3 का फोर्थ वन एक्सप्लेन करो, याद आ रहा है 28/14 आया था उसका, अपन ने 2 लिखा था। यस सर। हाँ, वो टाइम पे स्टार्टिंग का 10 मिनट में सॉल्व करके बता देगा फिर ये वाला सम, अगर आंसर नहीं आता है तो। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। 1.5 में 6 सम था, 6 में से अपना एक सम कंप्लीट हुआ क्या? यस और नो, सबको बोलने का है, अकेला yes, नहीं sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. ओके हाँ विवेक सर अभी अपना, हाँ सर बोलो, एक मिनट वक्त घेऊ का तुमचा? हाँ बोलो, स्टार्ट करते हैं अपन आगे का। यस सर। किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो ओके हाँ चलो, कोई है क्या आप लोग में से जो एक मिनट के अंदर मुझे सम एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सर कहना है देविका। देविका और कोई आपका, आप तो है ही, फिर कोई नहीं किया तो बाकी लोग। मनीष, हेलो मनीष। हाँ भाई। yes. हाँ एक्सप्लेन करो एकदम शॉर्टकट में, पूरा नहीं बताना है, एक सिंपल लॉजिक बताना है, क्या किया है बताना है, बस उतने। हाँ सर, अपन 2x + y = y + 8 घेतला आणि 4x - y घेतला बरोबर, त्याच्यानंतर आहे ना आपण मी काय बोलतोय ऐक ना, ऐक ना मी काय बोलतोय, सम मध्ये कोणता शेप होता, शेप म्हणजे असणार तर ऑपोजिट साइड काय असणार, ते बोलतोय ते एक्सप्लेन करता। हा रेक्टॅंगल ऑपोजिट, रेक्टॅंगल च्या ऑपोजिट साइड असतात, मला एक्सप्लेन करायला एवढं येत नाही। मी काय बोलतो, तू ट्राय तरी कर ना, मी काय बोलतो तू ट्राय कर, तू अर्धा एक्सप्लेन कर, मी तुला सपोर्ट करतो, उद्याला तू पूर्ण एक्सप्लेन करणार मग, समजतंय काय बोलतोय मी, ट्राय तरी कर तू। हो आता तू काय बोलला मला सांग, ऑपोजिट साइड काय असणार आहे, इक्वल की अनइक्वल? इक्वल। इक्वल तू मला बोल ऑपोजिट, तूच बोल ना ऑपोजिट म्हणजे काय येणार आहे, 4x - y आणि 2x + y, 2x + y + 8, हा ते काय असणार आहे, दोन्ही इक्वल असणार आहे। येस सर। सॉल्व करून, सॉल्व करून 4x - y = 2x + y + 8 सर, 4x 2x आहे ना, 4x त्या साईडला जाणार 4x कडे, ओके मायनस 4x - आणि वाय ना या साईडचा, तो या साईडला आहे ना मायनस वाय कडे, मायनस वाय। मला सांग आता काय करू, इक्वेशन 1 पण आला, इक्वेशन 2 पण आला, आता काय करू सांग, कोणत्या मेथडने सॉल्व करू? एलिमिनेशन। चल ठीक आहे, थँक यू सो मच भाई, ठीक आहे। हा सर प्रीत बोलो, अनम्यूट करके बोलो जरा मेसेज, ठीक है। हेलो सबरीश सर। हाँ सर, दोनों मेथड, दो दो मेथड सीखा है स्कूल में। और एक कौन सा पढ़ा है? एलिमिनेशन का, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है और एक एलिमिनेशन मेथड ऐसा एक सीखा है, दोनों सीखा है। चलेगा, मैं चैप्टर के एंड पे बताऊं वाला मेथड भी सिर्फ। हाँ सर चलेगा, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। हाँ कोई ये टेंशन का बात नहीं है, एक मेथड से भी काम होता है, बट अगर वो बोल रहे कि दूसरा भी पढ़ना चाहिए तो मैं वो भी पढ़ा देगा, समझ रहे? ओके हाँ, सिर्फ एक बार ये क्वेश्चन पढ़ो जरा, फिफ्थ वन नहीं है क्वेश्चन, सब लोग एक बार जरा रीड करके लो, मैं ये क्वेश्चन में से आपको पूछेगा कुछ 2-3 पॉइंट।
मुझे बताओ कितने टाइप के बॉक्सेस हैं? टू टाइप ए एंड बी ए एंड बी बराबर। और आप अगर ठीक से देखेंगे ना तो आपको आप लोग को ना फर्स्ट लाइन के एंड पे ना कुछ बोला है, 10 turns बोला है क्या? 10 turns बोला है क्या बताना? Yes, sir. हाँ तो अभी मैं क्या बोल रहा है ठीक से सुनना सब लोग। एक टन होता है ना, एक टन में होता है 1000 kg। मैंने जो सामने लिखा है ना पीडीएफ में 100 वो गलत है। कितना केजी आएगा बताओ हिंट में? 1 टन मतलब कितना केजी आएगा? 1000 kg। लोग बोलो एक टन में कितना, एक टन में कितना आएगा? नहीं ना वो गलत है, 1000 kg। तो 2 टन में कितना आएगा? अगर एक टन में 2000। 5 में कितना आएगा? 5 टन में 5000। और अगर 10 टन है तो 10 टन में कितना आएगा? 10,000। सबसे पहला मन का डाउट क्लियर हुआ क्या कि टन से केजी में कैसे कन्वर्ट करने का? यस सर। अगर किसी ने आपको ऐसे ही रैंडमली पूछा कि भाई मेरे पास है ना 7 टन है, तो अपने दिमाग में क्या आएगा कितना केजी आएगा? 7,000 kg। अभी अपने क्वेश्चन में कितना बोला है, कितना टर्न बोला है? 10 turn। तो मुझे बताओ ये जो मैंने हिंट लिखा है इधर मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? एक एक जीरो एक्स्ट्रा, एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा ना? यस। हाँ तो जराओ संभाल के, मैंने लास्ट ईयर का ही पीडीएफ रखा है सामने, लास्ट ईयर भी मैंने वही पीडीएफ रखा था और वही गलती बाद में मैंने एक्सप्लेन किया था बच्चे लोग को, तो ये साल भी वही हुआ, मैंने सेम पीडीएफ लाके रख दिया इधर, तो आपको मुझे वापस बताना पड़ा। सबको समझ रहा है क्या आया? यस सर। हाँ ओके ओके। हाँ बताता हूँ फिर से, यहाँ पर अपने पास 2 टाइप के बॉक्सेस है, तो ठीक है वो तो बॉक्सेस हो गया। बॉक्सेस के बाद में सबसे पहला अपना काम क्या था कि जो टर्न है ना, टर्न फर्स्ट लाइन के लास्ट में दिया है देखो 10 turns करके, तो अपना काम सबसे पहला क्या है कि टर्न को केजी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया, अगर एक टर्न है तो 1000 kg होता है, अगर 2 टन है तो 2000 होगा, 3 है तो 3000 होगा, 4 है तो 4000 होगा। अपने क्वेश्चन में कितना टन बोला उन्होंने? 10 बोला है ना? 10 टन। हाँ तो 10 टन कितना होगा बताओ? 10 टन कितना होगा? 10,000। हाँ तो 10,000 होगा। अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास कौन से टाइप के बॉक्सेस है? एक बॉक्स ए है और एक बॉक्स बी है, पर मेरे पास कितने बॉक्सेस है ये दिया है क्या उन्होंने? देखो जरा किधर दिया है क्या, सेकंड लाइन में, किधर सेकंड लाइन पे पढ़ो ना, सेकंड 150 बॉक्स 100 बॉक्स ऑफ टाइप x प्लस 100 y। मुझे बताओ मेरे पास बॉक्स ए है ना, बॉक्स ए 150 बॉक्स है उसके, और बी वाले के कितने बॉक्स है? बी वाले के 100। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लेट द वेट ऑफ वन, द वेट ऑफ वन बॉक्सेस ऑफ ए इज एक्स केजी, लिखा है क्या मैंने? देखना जरा एक मिनट। यस एक्स केजी लिखा है क्या? यस। लेट द वेट ऑफ वन बॉक्स लिखा है क्या बताना? ए वाला क्या, ए वाला कितना लिखा है? एक्स केजी लिखा है। यस। और ब्रैकेट में क्या लिखा है? ब्रैकेट में पर बॉक्स लिखा है कि नहीं लिखा है? Yes. मतलब क्या मालूम है क्या, एक बॉक्स का एक्स है, हाँ एक एक बॉक्स, अगर एक बॉक्स का एक्स है तो 150 बॉक्स का कितना होगा? 150x होगा कि नहीं होगा? यस। और दूसरा वाला कितना है? दूसरा वाला कितना है? 100। 100।
कितना टर्न बोला था उन्होंने, कितना टर्न बोला था? 10 टर्न कितना होता है? 10,000 होगा ना? 10,000 केजी। तो जीरो अटैच करने आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो देखो मैं इक्वेशन नंबर वन बोलू क्या? इक्वेशन नंबर वन, 150x + 100y इज इक्वल टू 10,000, बराबर है? यस सर। यस पक्का? क्या पक्का बताना, प्लीज बताओ। यस सर। तो चलो अपना बॉक्स नंबर, ट्रक नंबर वन का हो गया। अभी ट्रक नंबर टू के पास आओ, थर्ड लाइन से पढ़ो, थर्ड लाइन से, बट के बाद में, बट के बाद में, बट व्हेन 260 boxes of कौन सा? type A 260, हाँ 260 बोला है, तो 260x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताना है। देखो देर बाद में। yes हाँ, it can still accommodate 40 boxes of type B, 40y हो गया क्या? देखो जरा ठीक से। yes हाँ 40, उसके आगे क्या बोला है? सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड, बोला है क्या? फुल्ली लोडेड। yes, तो मुझे बताओ, इधर तो स्टार्टिंग में ही बोला था ना अपने को, पढ़ो ना यहाँ पर क्या बोला है, कितना कैपेसिटी है उसका? 10 tons. तो फुल भरा है, हाँ तो वही आने वाला है ना, कैपेसिटी फुल पूरा भरा है ना उसका, तो कितना आएगा वापस? 10,000 आएगा कि नहीं आएगा? 10,000 मेरे से गलती हुआ है, मैं सब लोगों को सॉरी बोलता है कि वो एक जीरो मैंने कम लिखा है, पर आपको समझ में आ रहा है कि देख लेना एक बार। यस हाँ, तो इक्वेशन नंबर वन है 150x + 100y = 10,000, सिमिलरली 260x + क्या 40y = 10,000। तो मैं क्या बोलता हूँ, क्या करेंगे आप लोग ये दो इक्वेशन, ये बहुत बड़ा बड़ा वैल्यूज है, क्या करेंगे आप लोग इसको? कुछ दिख रहा है आपको, कुछ आपका तरीका कुछ अलग सॉल्व करने के लिए? मुझे एक दिख रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बताएं। इनटू 100 बाय बोथ साइड, डिवाइड ना, डिवाइड डिवाइड बाय 10 करो, डिवाइड बाय 10। तो जब डिवाइड बाय 10 करोगे ना आप, तो 150x वाला जीरो कट हो जाएगा, 100 वाला जीरो कट हो जाएगा, और ये भी जीरो कट हो जाएगा। सिमिलरली ये भी जीरो कट, ये भी जीरो कट, ये भी जीरो कट। समझ में आया मेरा क्या बोलने का मतलब है? यस। अभी क्या बच गया? 15x + 10y = 1000। 26x + 4y = 1000। सबको समझा दी? Yes, sir. Yes, sir. अभी आगे तो सॉल्व करने आता है ना, इक्वेशन आ गया मतलब सॉल्व करने तो आएगा ना आप लोग को अभी? Yes, sir. चलो देखते हैं अपन, मैंने कुछ आगे सॉल्व किया है क्या, कि गड़बड़ी किया है? वो छोड़ दो अभी, ये इक्वेशन सब जाने दो। मुझे x का वैल्यू कितना मिला था बताओ सॉल्व करने के बाद में? 30 और कितना मिला? 30 और 55। कितना आएगा आंसर सॉल्व करने के बाद? हेलो। यस सर। कितना आया बताओ, अपन एक बार क्रॉस चेक करते, कितना आया एक्स का वैल्यू? 30 और y का कितना आया? 55 kg। तो आप लोग क्या करेगा, मेरे पास कितना बॉक्सेस है बताओ? 150 बॉक्सेस है ना? हाँ, 150 × 30 कितना आएगा बताओ? 150 × 30 जरा जल्दी मल्टीप्लाई करके बताओ। 4,500। क्या बात है, क्या बात है,
4500 और बी वाले कितने बॉक्सेस है? 100 इंटू 55 कितना आएगा? 100 इंटू 55 बताओ. 5500 प्लस करो, प्लस करो, दोनों को प्लस करो, पूरे ट्रक का वैल्यू आएगा कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई लोग बताओ. यस आ रहा है सर. वही तो आना चाहिए था ना, वही आना चाहिए था ना कि अलग आना चाहिए था? वही आना चाहिए. क्यों आना चाहिए था वो बताओ? कैपेसिटी. सबको समझ रहा है क्या आपने कैसा किया? मैंने आपको इक्वेशन तक लाके दिया. सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग. क्या है मालूम है क्या? आंसर तक पहुंचने का. उतना पहुंच सकते हैं ना, इक्वेशन सॉल्व तो कर सकते हैं ना आप लोग? यस सर. अगर नहीं कर और अगर नहीं आए तो मैंने आपको बताया ना कि जब भी नया लेक्चर चालू होएगा अपना तभी आप लोग मुझे स्टार्टिंग में पूछ लेने का. समझ में आया? यस सर. यस. मुझे अभी मुझे मुझे कोई तो अभी फ्रेश स्टूडेंट चाहिए जो मुझे ये सम एक्सप्लेन कर सके. प्लीज आया खुद से आगे आने का. मैं नाम लेके खुद से नहीं आया तो देख लो कुछ. सर कैन आई से देविका? देविका चलो ठीक है. इक्वेशन नंबर वन तक बताओ. इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा कि हमारे पास ए और बी बॉक्सेस हैं और ट्रक की कैपेसिटी 10 tons है. तो 1 ton इज इक्वल टू 1000 kg. तो 10 tons इज इक्वल टू 10,000 kg. और हमारे पास टाइप ए के 150 boxes हैं और टाइप बी के 100 boxes हैं. तो हमने जो ए बॉक्सेस है उसको हमने एक्स के जी पकड़ा, उसका पर बॉक्स का वेट. और बी वाले के वेट को पर बॉक्स को हमने वाई पकड़ा. तो ए 150 है इसलिए 150x प्लस बी बॉक्सेस 100 है इसलिए 100y इज इक्वल टू 10,000. और वैसे ही हमने इक्वेशन टू. और मुझे बताओ, मुझे एक बताओ, ये राइट है क्या ये वाला? नो सर, उधर 1000 के आगे 10 और आएगा क्योंकि वो 10,000 सिर्फ 1000 लिखा है. बराबर बराबर. मेरा पॉइंट सबको समझ रहा है ना, वो टाइपिंग मिस्टेक है. एक्सप्लेन कर रहा मैंने बताया आप लोग को. और कितना आंसर आया था आपने को? कितना आंसर आया देख लेना यहाँ पे, मैं पीडीएफ भेज देगा. सबको समझा आज के लेक्चर में? किधर कुछ डाउट है तो पूछ सकता है मुझे अभी. हेलो. नो डाउट. हाँ तो देखो, अगर किसी का फर्स्ट लेक्चर है तो ट्राई करो कि मैं जो समझा रहा है ना वो सिर्फ देखने को ट्राई करो. ज्यादा पूरा समझना चाहिए वो हिसाब से जाने का नहीं, जो लिमिटेड है उतना समझने को ट्राई करो. ठीक है? कुछ डाउट है? अभिषेक, अभिषेक, ध्रुव, हर्षल, कुछ डाउट? कुछ डाउट या क्लियर है? नो सर, क्लियर है सर. क्लियर है सर. क्लियर है. प्रगति, रोहन, यस सर. पक्का समझने का ना कि क्लियर है करके? यस सर. हाँ ठीक है. तो नोटबुक में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज? अपन 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एक एक 1.4 का और कौन सा? 1.5 का सेकंड वन और फिफ्थ वन. यस हाँ सर. तो चलो फिर. हाँ बोलो. वो सेकंड वन में पेरिमीटर और एरिया भी फाइंड करना है. हाँ तो मैं क्या बोलता हूँ, लेंथ और ब्रेथ मिल गया तो एरिया तो इंटू करके लिख सकते हैं ना अपन, वो कोई बड़ा बात है ना? ठीक है चलो फिर. सर हाँ बोलो. आपने लास्ट टाइम बोला था कि आप पेपर दोगे 10 स्टैंडर्ड का. कौन सा वाला? बोर्ड एग्जाम का पेपर? हाँ बोर्ड एग्जाम. हाँ यस सर. वो आंसर्स हाँ मैं भेजता हूँ, किशोर सर को भेजता हूँ, वो आपको भेज देंगे. ठीक है आज भेजता हूँ. ओके सर. ओके चलो ठीक है. सब लोग ध्यान दो. ठीक है ध्यान रखो. सॉरी
मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. बाय सर. बाय बाय. बाय 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 बाय.